बेटा लास्ट टाइम हमने आपको दो क्वेश्चंस दिए थे जो हमने चैलेंजिंग सीरीज स्टार्ट की थी उसके रिगार्डिंग फिजिक्स के दो क्वेश्चंस थे। आप लोगों ने उनको सॉल्व भी कर लिया होगा। अब एक बार देखते हैं कि जो मैं सॉल्यूशंस दे रहा हूँ आपके सॉल्यूशन उन सॉल्यूशन से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ एज वेल एज उसका सॉल्यूशन दे देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये था कि एक हमारे पास इंसुलेटिंग सरफेस के ऊपर एक मेटल की बॉल थी जो कि हर तरीके से इंसुलेटेड है, ठीक है, और एक बिल्कुल आइडेंटिकल दूसरी मेटल की बॉल थी जो स्पेस में सस्पेंडेड थी। दोनों बॉल्स आइडेंटिकल हैं। हमने इन दोनों बॉल को बराबर हीट दी, मान लो 500 जूल इसको दिया और 500 जूल इसको दिया। तो मैंने आपसे पूछा था कि अगर इस वाले का टेम्परेचर राइज करता है डेल्टा टी ए और इसका राइज करता है डेल्टा टी बी, तो मेरा सवाल था कि डेल्टा टी ए ग्रेटर देन डेल्टा टी बी या दूसरा ऑप्शन डेल्टा टी बी ग्रेटर देन डेल्टा टी ए या तीसरा ऑप्शन, दोनों में राइज इन टेम्परेचर सेम होगा। ये तीन ऑप्शन थे, ठीक है। अब आप देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखो जो बॉल ग्राउंड पे थी इंसुलेटेड सरफेस पे, अगर उसको हम हीट देते हैं तो मेटल की बॉल वो एक्सपेंड करेगी, नीचे तो दबेगा नहीं, लेकिन जब वो एक्सपेंड करेगी तो उसका शेप कुछ इस तरीके का आएगा, मतलब उसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा ऊपर जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर जाएगा मतलब ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। यानी कि हम कह सकते हैं 500 जूल का कुछ पार्ट विल बी यूज्ड एज इंक्रीज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब मान लेते हैं 400 जूल इसके टेम्परेचर को बढ़ाने के काम आया, दैट विल बी एन सी वी। डेल्टा टी मेटल बॉल है, एक्सपेंशन मिनिमम होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला केस चलेगा। तो ये आ गया हमारा डेल्टा टी ए। जो दूसरी बॉल है जो एयर में सस्पेंडेड है, अगर हम उसको देखें तो वो जब एक्सपेंड करेगी चारों तरफ से बराबर एक्सपेंड करेगी, तो देयर इज नो इंक्रीज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब 500 जूल सारा का सारा एन सी वी डेल्टा टी बी। तो अगर हम देखें दोनों को डिवाइड कर दें, 5/4 इज इक्वल टू डेल्टा टी बी अपॉन डेल्टा टी ए। अब यहां से साफ साफ दिख रहा है कि डेल्टा टी बी इज ग्रेटर देन डेल्टा टी है आगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था, मैंने कहा था एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, इसके पास में एक स्क्वायर प्लेट है कुछ डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे, और स्क्वायर प्लेट का डायमेंशन एल इंटू एल है, और स्क्वायर प्लेट पे टोटल चार्ज प्लस कैपिटल क्यू था। मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज टू चार्ज बॉडीज बताना है। थोड़ा सा टिपिकल सा सवाल है, एक ट्रिक यूज करते हैं। मैंने इस प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं देखूं ऐसा आएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो अब अगर स्क्वायर प्लेट पे हम ध्यान से देखें, तो इस ई के दो कंपोनेंट, एक ई कॉस थीटा और एक ऊपर की तरफ ई साइन थीटा।
अब मैं यहाँ पर छोटा सा एलिमेंटल एरिया ले लूँ ds, तो इस ds का चार्ज कितना होगा, dq इज इक्वल टू q अपॉन l स्क्वायर इंटू ds। अब फोर्स, एक तो ये ऊपर की तरफ लगेगा तो यहाँ नीचे जो एलिमेंटल एरिया होगा उस पर भी एक ऐसे नीचे की तरफ लगेगा और एक आगे लगेगा, तो ये नीचे और ऊपर वाले फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो जो df होगा दैट इज e cos थीटा इंटू q अपॉन l स्क्वायर इंटू ds। अब df इज इक्वल टू q अपॉन l स्क्वायर e ds cos थीटा। अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो f इज इक्वल टू e ds cos थीटा क्या हो गया, फ्लक्स थ्रू द प्लेट, तो q अपॉन l स्क्वायर इंटू q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। हम मान सकते हैं कि भाई अब मैं इसी वॉल का ऐसे क्यूब बना दूं, तो इस चार्ज को सेंटर पे डाल दूं, तो फ्लक्स कितना होगा, q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फोर्स इज q q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट l स्क्वायर आ जाएगा।